गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो आज सुबह वेबिनार हुआ है, रमेश पोखरियाल जी ने लाइव सेशन लिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे होंगे और जो बच्चों के माइंड में चल रहे थे, कुछ पेरेंट्स के माइंड में चल रहे थे, उनका क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का आंसर आज रमेश पोखरियाल जी ने दिया है सुबह वेबिनार में, जो ट्विटर पर और फेसबुक पर लाइव चला था। तो आज इस वीडियो में मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, ज़्यादा तो नहीं, सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ये रमेश पोखरियाल जी के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देते। बट मैं एक ब्रीफ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में बहुत सारे चल रहे होंगे वो इस वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन बताऊँगा और उसके आंसर क्या क्या दिए गए हैं वो ही बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है वहाँ पर, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा गया था, जेई की डेट क्या होगी, नीट की डेट क्या होगी, इस बार जेई किस डेट में आएगा, नीट किस डेट में आएगा, तो उसका आंसर भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया पोखरियाल जी ने कि क्या उसमें डेट होगी। तो सबसे पहली जो जेई मेंस की डेट बताई है पोखरियाल जी ने, वो बताइए 18 से 23 जुलाई को के बीच में जेई मेंस हो जाएगा। अब करते हैं जेई एडवांस की बात, तो जे एडवांस को भी साफ साफ बोल दिया गया कि ये अगस्त में रखा जाएगा जे एडवांस। और नीट की जो डेट है वो 26th of July 2020 रख दी गई है। तो ये तीनों डेट्स आपको साफ साफ बता दी गई है ताकि बच्चे, आप जितने भी बच्चे नीट वाले हैं, जेई वाले हैं, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि वो बुक्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, वो बुक्स कहाँ से परचेज करें, बुक स्टॉल तो बुक शॉप्स जो हैं वो ओपन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम मिनिस्ट्री से उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट कर दी गई है, इसलिए होम मिनिस्ट्री ने उनकी रिक्वेस्ट कंसिडर भी कर दी गई है और होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर भी दे दिया है कि जितने भी बुक स्टॉल्स हैं वो अपनी सभी के सभी स्टॉल्स खोल सकते हैं ताकि बच्चों तक प्रोवाइड कर दी जाए बुक्स। तो बच्चों आप वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ जाकर बुक परचेज कर सकते हैं क्योंकि अब से सभी बुक स्टॉल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये पोखरियाल जी ने स्पष्ट कर दिया गया है। और पोखरियाल जी ने ये भी बोला है कि अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऑनलाइन पोर्टल जो होता है, CBSE का वेब पोर्टल है ऑनलाइन, वहाँ पर जाकर आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक और समाधान है इस समस्या का। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बच्चों ने पूछा था। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, या फिर ये कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं और उनके समझ नहीं आ पा रहा है। तो इसका एक ही आंसर दिया है पोखरियाल जी ने कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी टीचर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने और घर बैठकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया है पोखरियाल जी ने। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये समझिए कि जितने भी टीचर्स हैं वो सभी के सभी अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, और सभी के सभी टीचर्स टेक्निकल नहीं होते। कुछ टीचर्स के पास टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होती है और कुछ टीचर्स को सब्जेक्टिव और एकेडमिक स्किल्स ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये भी समझने वाली बात है कि टाइम तो लगेगा इस इशू को सॉल्यूशन करने में, जो ये इशू है, लेकिन ये भी इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये एक इशू तो है। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने जो 1 to 8, 1st class to 8th class और क्लास 9th और क्लास 11th के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया है कि मगर उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग तो उन्होंने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि फर्स्ट क्लास से एट क्लास तक और क्लास 9th का और क्लास 11th को जितने भी बच्चे हैं वो उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द इंटरनल असेसमेंट, जो उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया जाए। तो और होपफुली ये सब स्कूल में कर दिया गया है और आप लोग जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली बात है कि आ भी गए होंगे। तो ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों के द्वारा कि जो कॉपी है बोर्ड की चेकिंग की, वो जो कॉपी है वो उसके रिगार्डिंग कि भाई वो चेकिंग हो पाई है या नहीं है, हो पाई है, वो कब को चेक होगी। तो कॉपी चेकिंग की भी बात वहाँ से कोई स्पष्ट रूप से रिपोर्ट नहीं आई है, पोखरियाल जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक आइडिया बताता हूँ कि कॉपी चेकिंग में टाइम तो लगता है।
जो हमारे सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी पहले बताया है कि 1 से 1.5 मंथ, 1 to 1.5 मंथ तो लगता है इस प्रोसेस में कॉपी की चेकिंग में, तो इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब जब भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कॉपी चेक हो सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि भाई सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा, तो अब जब कॉपी ही चेक नहीं हो पाई है तो अभी तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो जब कॉपी चेक होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं उसके 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये अपनी सजेशन दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th वालों बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था आज, कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है कि 83 एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी रुके हुए हैं, और उसमें से 29 एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है और अदर एग्ज़ाम जो ऑप्शनल है उनको तो हटा भी दिया जाएगा, मगर जो 29 एग्ज़ाम जो बिल्कुल मेन एग्ज़ाम है जो आपकी, जो जिसमें से बीएसटी का भी एग्ज़ाम है एक, तो उसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट नहीं आई है। तो अभी तक आज की डेट तक वो एग्ज़ाम तो होंगे, उन्होंने यही बोला है कि अभी कोई कैंसिल नहीं है एग्ज़ाम, तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि एग्ज़ाम तो होगा। और इस एग्जाम के रिगार्डिंग सीबीएसई ने, सीबीएसई वेबसाइट पर यह भी बोला है कि सीबीएसई वेबसाइट पर 1 या 2 दिन में रिपोर्ट दे दी जाएगी। हो सकता है कि आज ही रिपोर्ट आ जाए, हो सकता है कि कल को आपको रिपोर्ट मिल जाए कि आपके एग्जाम डेट क्या होगी या फिर होगा या नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने कि सिलेबस रिड्यूस होगा इस बार या नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस की रिडक्शन की बहुत सारी रिपोर्ट आ रही थी। तो इस बारे में भी उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोला है, मगर ये मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, कुछ संकेतों के द्वारा कुछ ऐसा संकेत आ रहे हैं और कुछ आइडियाज से मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि शायद इस बार रिड्यूस हो जाए आपका सिलेबस। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि कुछ परसेंट आपके सिलेबस में रिडक्शन आए। तो ये सभी सीबीएसई के बच्चों के लिए है कि जितने भी बच्चे सीबीएसई में हैं तो रिडक्शन तो हो सकता है, ये तो उम्मीद की जाती है। मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी सजेशन दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इस बार कॉपी जो होगी वो लीनियंट चेकिंग होगी या नहीं होगी। तो ऐसा तो है कि लीनियंट तो चेकिंग होगी इस बार, ये तो पुष्टि की गई है कि बहुत ज़्यादा लीनियंट रखेंगे चेकिंग को। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों पर, सीबीएसई के जितने ही बच्चे हैं उनके पास रिपोर्ट पहुँच जाए, उनके पास इन्फॉर्मेशन सारी पहुँच जाए। थैंक यू।